हेलो बच्चों, आज हम पाठ 14 सफ़ेद हंस में इनके प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 1, कहानी के क्रम से 1, 2, 3 लिखो। यहाँ पे कुछ पाठ में से कुछ लाइनें दी हुई हैं, उन्हें हमें क्रम में लिखना है। जैसे एक सफ़ेद हंस था, ये 1 नंबर। वह तालाब में तैर रहा था, ये 2 नंबर। हंस बहुत खुश था, 3 नंबर। तो इसी तरह से यहाँ पे इन लाइनों को भी हमें क्रम में 1, 2, 3 क्रम में लिखना है। जैसे एक आदमी ने गंदे काले कपड़े धोए, ये आएगा 1 नंबर पे। वह बहुत उदास हो गया, तो इससे पहले हंस का सफ़ेद रंग काला हो गया, तो यह आएगा 2 नंबर पे। वह बहुत उदास हो गया, यह आएगा 3 नंबर पे। फिर यहाँ पे और भी हैं पाठ में से कुछ लाइनें, उन्हें हम क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले आएगा, दूसरी तरफ साफ पानी था, तो यह आएगा 1 नंबर पे। हंस वहाँ खूब नहाया, तो यह आएगा 2 नंबर पे। वह फिर सफ़ेद हो गया, तो यह आएगा 3 नंबर पे। तो इस तरह से हम इन पाठ में से दी हुई इन लाइनों को क्रम में 1, 2, 3 क्रम में लिखेंगे। फिर प्रश्न नंबर 2, सुलेख लिखो। यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, अब हंस सुंदर हो गया। इसे हम सुंदर सी राइटिंग में, अच्छी अच्छी राइटिंग में नीचे यहाँ लिखेंगे। फिर है प्रश्न नंबर 3, बोलो और लिखो। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन्हें हमें बोल बोल कर यहाँ नीचे लिखना है। पंख, तैरना, तालाब, मुर्गी, सुंदर, इन्हें यहाँ इन लाइनों में नीचे यहाँ लिखना है। प्रश्न नंबर 4, इनके जवाब लिखो। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनके हमें जवाब लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1, हंस कहाँ रहता था, तो हंस कहाँ रहता था, हंस तालाब में रहता था, तो इसका जवाब क्या है, हंस तालाब में रहता था। प्रश्न नंबर 2, हंस उदास क्यों हो गया, हंस उदास क्यों हो गया, तो इसका जवाब है, हंस उदास हो गया क्योंकि उसका रंग काला हो गया था। क्यों उदास हो गया था, क्योंकि उसका रंग काला हो गया था। तालाब में कौन गिर गया, तालाब में कौन गिर गया था, उसका जवाब है, तालाब में मुर्गी का बच्चा गिर गया था। कौन गिर गया था तालाब में, तो तालाब में मुर्गी का बच्चा गिर गया था। फिर है प्रश्न नंबर 4, हंस सुंदर कैसे हो गया, हंस सुंदर कैसे हो गया, तो इसका जवाब है, हंस साफ पानी में नहाकर सुंदर हो गया, तो इसका जवाब है, हंस साफ पानी में नहाकर सुंदर हो गया। फिर है प्रश्न नंबर 5, यह भी लिखो। यहाँ पे कुछ अपोजिट दिए हुए हैं, उन्हें हमें लर्न करना है और लिखना भी है साथ में। सांप का गंदा, सांप का गंदा, खुश उदास, खुश का उदास, पास का दूर, पास का दूर, तो इसे हमें यूँ मैच करना है। फिर है जेंडर, पढ़ कर जानो, इन्हें हमें पढ़ना भी है और लिखना भी है। ये है जैसे दादा का जेंडर क्या हो जाएगा, दादी, दादा का लिंग बदलो दादी, मामा का लिंग बदलो मामी, भाई का बहन, भाई का बहन। तो इस तरह से बच्चों हम इन प्रश्नों उत्तर का अभ्यास करेंगे और नोटबुक में भी लिखेंगे। धन्यवाद।